कोश किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोश किचन में आज हम बनाना सीखेंगे नारियल की बर्फी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये बर्फी आप किस तरह बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ हमने एक नारियल को फोड़कर टुकड़ों में अलग कर लिया है। और अगर साबुत नारियल निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसे उसकी ये जो काली स्किन है उसे निकालने में आसानी होगी, कद्दूकस करने में आसानी होगी। पर अगर ऐसा भी निकले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सबसे पहले करना यह है कि जो काला वाला हिस्सा है, इसका स्किन जो है इसकी, इसे निकाल अलग कर लेंगे। अब ये नारियल हमने अच्छी तरह से ऊपर से इसकी स्किन उतार ली है काली वाली। अब इस नारियल को हम कद्दूकस करेंगे। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें कि कई लोग जो ड्राई नारियल आता है उसकी बर्फी पसंद करते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप पसंद कर सकते हैं। पर ये जो ताज़ा नारियल होता है, इसकी बर्फी स्वाद में थोड़ी और मिठास होती है इसके। तो जिस तरह का नारियल, ड्राई या ताज़ा, आपको पसंद हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसे हम कद्दूकस करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि मोटी जो जाली है वहाँ से नहीं, जो मीडियम जाली होती है यहाँ से हमें कद्दूकस करना है। अब नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये तैयार करने के बाद इसे बहुत हल्का सा हमें ग्राइंड कर लेना है। इससे होगा ये कि कुछ नारियल ऐसे ही लच्छेदार रहेगा और कुछ नारियल जो है वो ग्राइंड हो जाएगा, पिस जाएगा। तो उससे जो बर्फी का फ्लेवर, टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये बहुत हल्का सा मैंने ग्राइंड कर लिया है और देख सकते हैं आपकी कुछ नारियल जिस तरह कद्दूकस किए थे वैसे ही, और कुछ हल्के से पिस गए हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। और अगर बाई चांस ये हल्के से भी ग्राइंड ना हो तो आप इसमें आधा कप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पैन को गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे करीब आधा कप देसी घी। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल ना भी करें, क्योंकि नारियल अपना ही ऑयल रिलीज़ करता है। और अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बर्फ़ी जो है आपकी वो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और अब इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ नारियल। अब आप देख सकते हैं ये नारियल धीरे धीरे अपना पानी रिलीज़ करेगा और इसका पानी सूख जाए इतना हमें इसे पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। तो लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। साथ ही यहाँ पर डालेंगे एक चुटकी केसर। ये केसर हमारी नारियल की बर्फ़ी को अच्छी सी रंगत देगा। कई लोग नारियल की बर्फ़ी में अलग अलग तरह के फूड कलर डालना पसंद करते हैं, तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कलर ना पसंद हो तो आप ऐसे भी बिना फूड कलर के, बिना केसर के भी अपनी बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं करीब आधा कप मिल्क पाउडर। आप चाहें तो खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अगर ना मिले, ना मिल्क पाउडर मिले और ना ही खोया आपको डालना हो, तो आप ऐसे भी बर्फ़ी तैयार कर सकते हैं। इसमें आप इसके बजाय घर की जो मलाई होती है उसको ग्राइंड करके आधा कप या एक कप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बर्फ़ी को जो एक टेक्सचर होता है क्रीमी, वो दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा नारियल जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। जो भी पानी था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो कम आंच पर ही, बिना आंच तेज़ किए, अब हमें इसमें डालना है। यहाँ पर मैंने लिया है 100 ग्राम से थोड़ा सा कम चीनी। जितनी चीनी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप काजू बादाम का पेस्ट, जिसको मैंने भिगो कर इसका पेस्ट बना लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। ये भी हमारी बर्फ़ी को थोड़ा सा क्रीमी स्वाद देगा और ड्राई फ्रूट्स की जो कमी है वो भी इस तरह से पूरी हो जाएगी। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स नटी फ्लेवर पसंद हो उसका, आप उसे काट कर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अमूमन नारियल की बर्फ़ी में पिस्ते के अलावा दूसरे ड्राई फ्रूट्स यूज़ नहीं होते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो आप वैसा करें। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नारियल पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें, सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएं, अच्छी तरह से मिल जाएं। आंच को धीमा ही रखें, वरना चीनी डाल रखी है हमने, हमारी बर्फ़ी जो है नारियल की
वो कड़क हो जाएगी। तो धीमी आँच पर ही इसे हमें मिलाकर मेल्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं नारियल की बर्फ़ी ने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, यानी कि ये तैयार हो गया है। ऐसे में हम इसमें डालेंगे ज़रा सा पिस्ता। अच्छे से मिलाने के बाद हमने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में, बड़ी थाली में नीचे पूरा घी लगा लिया है। साथ ही डालेंगे ज़रा सा पिस्ता या कोई और ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, या कुछ भी ना डालें, सिर्फ घी ही लगा सकते हैं आप। इसके बाद डालना है परात में। ये गोल बर्तन है, अगर आपको स्क्वायर शेप का कोई बर्तन मिल जाए या कोई प्लेट हो आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जितनी मोटी आपको नारियल की लेयर चाहिए हो आप उतना मोटा रखें। थोड़ा सा कटोरी में हल्का सा घी लगाकर आप इसे थोड़ा दबा सकते हैं, अगर आपको बर्फ़ी थोड़ी पतली रखनी हो तो। ऊपर से भी हम थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। पिस्ता डालने के बाद एक बार फिर से हम चारों ओर से इसे सेट कर लेंगे, क्योंकि ये गर्म है और ये धीरे धीरे फैलेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी अच्छी शेप के लिए। आपको इक्वल आपको ये कटोरी पूरी बर्फ़ी पे घुमानी है, ताकि कहीं से पतली और कहीं से मोटी ना रहे। अब इसके बाद रूम टेम्परेचर पे इसे 10-12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हमारा जो बर्फ़ी का मिश्रण था ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसको मनचाही शेप में काट लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है नारियल की बर्फ़ी। आप इसे फ्रेश नारियल से बना सकते हैं, ड्राई नारियल से बना सकते हैं, जिस तरह का नारियल का टेस्ट आपको पसंद हो आप उस नारियल से इसे बनाएं, और त्योहारों पर इस ख़ास बर्फ़ी का मज़ा ज़रूर उठाएं। और इसके साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आज की ये नारियल बर्फ़ी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कोश किचन को, और देखते रहें कोश किचन।